इस अनातोलियन शहर का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में मिलता है। इस शहर में सैयदना शुआब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कयाम पजीर रहे। पुराने वक्तों में इस शहर को अदीसा के नाम से जाना जाता था। इसी इलाके में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की जानब हिजरत करने से पहले 7 साल तक बकरियां चराते रहे। और अदीसा या उर्फा और मौजूदा दौर में शाली उर्फा का मुकद्दस शहर ही है कि जिसने सबसे पहले ईसाइयों को बकायदा चर्चेस कायम करने और आजादाना इबादत करने का मौका मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम इस इलाके में फरोग पाता गया और फिर चर्चेस की जगह मसाजिद ने ले ली। तारीख की मोतबरतरीन कुतुब में इस शहर को उर के नाम से लिखा गया है। उमवी फौज ने 639 सन हिजरी में इस इलाके पर किसी जंग के बगैर कब्जा किया तो इस्लाम की तबलीग का आगाज हुआ। इसके बाद अयूबी, सलजोक और उस्मानी दौर हुकूमत में इस शहर में इस्लाम को फरोग हासिल हुआ और मकामी लोग मुसलमानों के आला इखलाक और किरदार को देखकर इस्लाम कबूल करते रहे। उस्मानी दौर खिलाफत में उर्फा काटन, लेदर और ज्वेलरी की तजारत का मरकज था। आज उर्फा कदीम और जदीद रवायात का मरकज है। उर्फा शहर का पुराना हिस्सा अपने अंदर एक अजीब सा हुसन समेटे हुए है। पुराने बाजारों में कायम दुकानें आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज हैं और मकामी लोग और सियाह यहाँ खरीदारी करते नजर आते हैं। इन बाजारों में उर्फा और गिर्दो नवा से आने वाले कुर्द और अरब दुकानदार अपने मखसूस लिबास में अशिया फरोख्त करते नजर आते हैं। कहवा खानों में कहवा के कप संभाले और शीशा के कश लगाते हुए कुर्दिश, अरब और तुर्कश भाई एक दूसरे से मोहब्बत से बातचीत करते हुए और दुख सुख में शरीक होने का इकरार करते नजर आते हैं। इस शहर में मोहब्बत और अखलाक की ठंडी हवाएं चलती हैं। लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। ज्यादातर मकानात रवायती अरब तर्ज पर बनाए गए हैं। खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली छोटी छोटी दुकानें लोगों की तवज्जो का मरकज होती हैं। लोगों की अक्सरियत गरीब है और कुछ तो अभी भी पहाड़ों की गारों में बनाए गए मकानात में रहते हैं। अपनी तमाम तर गुर्बत के बावजूद ये लोग खुश हैं और मेहमानों की कदर करना जानते हैं। शहर के नए हिस्से में जदीद तर्ज पर बनाए गए मकानात और रेस्टोरेंट्स शहर के हुस्न को 4 चांद लगाते हैं। उर्फा के लोग सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार सदियों से उनकी रोजमर्रा जिंदगी में देखा जा सकता है। मसाजिद में सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र इलाही और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। इसके बाद लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाय पैदाश पर इकट्ठा होकर जिक्र करते हैं, जो आप इससे पहले नो टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में देख चुके हैं। मिलादुन्नबी के माह मुकद्दस में इन लोगों की खुशियां देखने वाली होती हैं। घरों और मसाजिद में चरागाह किया जाता है और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायती जोश और जज्बे से मनाया जाता है। लोगों की अक्सरियत रूहानियत की तरफ मायल है और जिक्र फिक्र की महाफिल कसरत से होती है। उर्फा में दुनिया की कदीम तरीन तहजीब नेवाल के आसार पाए गए हैं। खुदाई के दौरान यहाँ पे एक टेंपल दरियाफ्त किया गया। पिछले साल इस टेंपल से निकलने वाली अशिया मसलन तीर, काटने के औजार और फर्नीचर का जर्मनी में टेस्ट किया गया और मालूम हुआ कि ये अशिया 11,500 साल पुरानी है। साइंसदानों ने तहकीक के दौरान मालूम किया कि हजरत इंसान ने इस शहर में 13,500 साल पहले मकानात बनाने का सिलसिला शुरू किया। 1993 में इस शहर में से 2 मीटर लंबी एक मूर्ति निकाली गई। ये मूर्ति या मुजस्समा 13,500 साल पुराना है और इस मुजस्मे को दुनिया का कदीम तरीन मुजस्मा कहा जाता है।
इसके अलावा 1999 और सन 2000 में भी खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी इंसानी तहजीबों और मुआशरों के दीगर आसार मिले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तहजीबों की तारीख उर्फा शहर में शुरू हुई। ये हरन का इलाका है, हरन जिसे कराहे के नाम से भी जाना जाता है, शाली उर्फा का एक जिला है। हरन एक बहुत ही पुराना और तारीखी शहर है। ये शहर मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक में दराए फिरात और तिग्रीस के इंतहाई